साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी दंडौत बंधन अनगुवार सर्व कला समरथ ढोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपने भगती लाए श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अरजन गुरु वर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवीं गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरबिंद ज्यों बुलावे तू बोले स्वामी कुदरत कमन हमारी साध संग नानक दस गायो जो प्रभ की अत प्यारी ज्ञान ध्यान किस कर में न जाना सा न जाना तेरी सब थी बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सभासक संता बाई भाई वडभागे हो तंता दी जोग जो कि इस वक्त जुगो जुग अटल गद्दी ते सुभाई बाल चवर तख्त ते मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणदे हुए अपने जीवन दीआं कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो वड्डिआं भागां वाले हो। आओ गुरु चरणां विच बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके लाहे लै के तंता दे योग बणीए। कल आपां ने सरवण कीता सी कि सतगुरां ने भाई गुरदास जी नूं गुरसिखां समेत काबल देश विच घोड़े खरीदण वास्ते भेजिआ। सतगुरु जी महाराज दी परख करनी चाहुंदे ऐ जदों हुण सिख श्री अमृतसर विखे घोड़े छड के ते वापस गए है कि सतगुरां वल्लों घोड़े पसंद करने गए है भाई गुरदास जी पैसे दे दिओ इन्हे घोड़िया दे मालक नूं बुलाया ते तंबू विच गया पैसे गिनण वास्ते। हुण सुदागर बाहर बैठा है तंबू तो गुरदास जी अंदर गए जदों जाके पैसे देखे तो सारियां ठीकरियां ही बनिया हुई हैं इनू ठेकरियां नजरें आईया भरम विच भुल गया पैरां थल्लों जमीन नहीं खिसक गई। ये कुछ समा विच विचारां करदा होया कि तंबू पाड़ के पिछे दी पिछे निकल गया डरदा होया कि जे हुण पैसे ना दिते तो इथों दे सुदागर मैनू पकड़ करके बन लैणगे तो बड़ी सारी तुहीन होना करेगी। हुण काफ़ी समय बाद इतिहास ने लिखना किया कि डेढ़ पैर इस सुदागर उड़ीकता रहा डेढ़ पैर उड़ीकता रहा जदों गुरदास जी तंबू विचों बाहर नहीं ना आए तो इन्होंने देखिया कि पैसे तो अंदर सुन्ने पे है पर गिन गया जिहड़ा बंदा सी वापस नहीं आया कारण की है। इसने हुण बाकी दे गुरसिखां नूं आवाज़ दे के बुलाया तो दस्या कि भाई आ गल है तुहाडा आदमी पता नहीं किहड़े पासे चलिया गया पैसे भी सुन्ने सद गया। इस सुदागर ने पैसे अपने गिण के लैणा कीते
बाकी दे गुरसिखां नूं संभाल दित्ते। गुरसिखां ने भी बड़ी हैरानी प्रगट की है, पर यह पैसे संभाल करके ते गुरसिखां ने वापस श्री अमृतसर वल्ले आउणा कीता, सतगुरां दे चरणां विच पहुँचना कीता कि जा करके दर्शाइए पता नहीं सतगुरु जी की भाणा वापरिया कि कौतुक होया कि भाई गुरदास जी तंबू फाड़ के पता नहीं किहड़े पासे चले गए, पैसे भी वह सुन्ने छड करके चले गए हैं, की उन्हां दे मन दे विच आई है, की गल उन्हां ने सोचना कीती है कि ते तुसीं जानी जाण जे कि गुरदास जी नूं की वापरना कीता। आओ हुण इस तों अगे सतगुरां दे इतिहास नूं सरवण करिए। वाहिगुरु जी आए मिले सतगुर के पास, सर्व वार्ता करी प्रकाश, नै जानू कितका गुरदास, तजकर तंबू मैं धनरास। के गुरसिखां ने काबल तो वापस पहुँचना किया सतगुरां दे चरणां विच श्री अमृतसर, ते पहुँच के सारी वार्ता सतगुरां नूं दर्शाणा कीती है। कहन लगे सतगुरु भाई गुरदास जी पता नहीं की होया, सानू ते कोई उन्हां बारे समझ नहीं आउणा कीती कि पिछों तंबू पाड़ करके पता नहीं किस पासे वल चले गए, सगों वह तो सारा धन सारा पैसा ही सुन्ना छड के ते चले गए है, पता नहीं कारण की वापरना कीता। इहदे बारे ते सतगुरु जी तुसीं आप ही जानदे जे कि कारण पता नहीं की होया, तंबू विच धन छड के ते गुरदास जी ने पिछों तंबू फाड़ करके ते दौड़ना कीता है। सतगुर तब जानी निज माया, गयो भासुरदा परमाया, भई ठीकरी जित करा जतपन, भाजो देखत होए अधीर मन। हुण जानी जान सतगुरु जी महाराज जानते सी गुरु रूप साध सिंह जी, सतगुरु जी महाराज इस माया नूं जान गए कि गुरदास जी नूं पैसियां दी जगह ते ठीकरियां नजर आउणियां कीती है, कि गुरदास जी नूं पैसों की जगह से ठीकरियां नज़र आईया, तो भाई गुरदास जी भरम भुल गए कि हुण सिखी जिहड़ी दात लग गई, भरम भुल गए तो मन दे विच बड़ा वड्डा भरम पै गया, डर करके तंबू पाड़ के तीरज रहत हो के भाई गुरदास जी ने दौड़ना किया कि भाई ये तो सब कुछ ठीकरियां ठीकरियां नजरी आउंदे आ, धन तो है ही नहीं, तो सुदागर नूं धन नहीं देवांगे तो वह पकड़ लवेगा, पता नहीं की कहणगे, बड़ी निरादरी होएगी। इन्हां गल्लां नूं विचार करके जाना कीता, जानी जान सतगुरु जी महाराज जान गए अते जान करके सतगुरां ने मुस्कराणा कीता है। दोहरा निकसो डेरा त्याग करे, हिमरत थीत सकाले, चलत पंथ ने तो चिरन कर, शर्म को लहत बसान। के दूसरे पासे भाई गुरदास जी जदों काबल तो गए है ना, इतिहासकार कहिंदा कि उदों शर्दी दी रुत सी, जदों तंबू फाड़ के दौड़ना कीता भरम विच भुल गए, उदों शर्दी दी रुत सी, रोज़ पैदल चलते है भाई गुरदास जी, तो जिमें जिमें चलते हैं ना तो शामा नूं बड़ी सारी थकावट हो जाती है, क्योंकि इदा कभी भी इदा दे काम विच पैना नहीं सी कीता, सदा सतगुरां दे चरणां विच रह करके ते आनंद लैणा कीता सी, सदा सतगुरां दे चरणां विच रह के आनंद लैणा कीता सी, ते हुण इदा कह लो कि मन विच विचारदे आ भाई गुरदास जी कि ये मुसीबत आ पई, हुण इस मुसीबत विच फसे हुए ने, चलना कीता पैदल ते शामां नूं थक जांदे ऐ, वाधू कपड़िया तो बगैर हुण ठंड भी नहीं हट सकते, लागे इतने कपड़े भी है ने, जिहड़े कपड़े हैगे सी उह तंबू विच ही छड के ते दौड़ना कीता है, वाधू कपड़े भी है ने, थकावट हो जाती है अते ठंड लगती है, तीसरा कभी भोजन मिलता तो कभी भोजन भी नहीं मिलता, कभी प्रशादा पानी मिलता छकन वास्ते तो कभी भाई गुरदास जी नूं प्राप्त नहीं हुंदा, रोज़ सफर करना पैंदा है, क्योंकि मन दे विच ही विचार लिया सी
कि साधुआं वाला फकीर बना के कांसी जा वड़दे आ सतगुरां दे पास जांदे ही नहीं। कांसी वाल मूह कीता होया भाई गुरदास जी ने ते साधुआं वाला भेस बनाया होया ते हर रोज बाहू दाही मंजला बाप दे जांदे है। ठंड लगती है, थकावट है, कदी प्रशादा मिलता कदी नहीं मिलता ते मन करके मन दे विच बड़ा दुख पैदा होंदा है कि बड़ा ये की हो गया। इस तरह तो कभी होया ही नहीं सी जिदा कि हुण वापरना कीता है। माखे ते दुर्बल होयो नहीं आगे आ संकट जोयो, वड़ा दुख पा करके शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि जदों चलना फिरना ते खान नूं कुछ मिलना ना ते फिर कमजोर ही होना सी। वड़ा दुख पा के भाई गुरदास जी कमजोर हो गए ते मन दे विच सोचदे आ भाई गुरदास जी बना पहलों ते अज तक इहो जिहा संकट कदी पाया ही नहीं सी, सतगुरां दे चरणां विच रह करके ते अज तक आनंद ही आनंद लैणा कीते, पर यह मुसीबत ने पता नहीं कित्थों आके घेर लिया, ये मुसीबत ने कित्थों घेर लिया कि तुर तुर के पैरां दे विच छाले भी पै गए। क्योंकि जिहड़े बंदे ने कदी तुरना ना कीता होवे, काम कार ना कीता होवे, सदा सतगुरां दे चरणां विच रह करके गुरबाणी पढ़न वाला मनुख सी, गुरु का सिख सी, ते हुण तुरना पै गया, सर्दी की रुत्त है, कपड़ों भी है नहीं लागे, ते खाण पीण नूं भी कुछ मिलता नहीं, कदी मिलता कदी नहीं, पैरां विच छाले पै गए है, शरीर कमजोर हो गया, पैरां विच छाले ने, सदा थकावट दे विच ही सफर करदा है कि मन दे विच ये डर सी कि उत्थे ते ठीकरियां पईआं होईआं किते काबुल दे सदागर मगरों आ के पकड़ ना लैंदे होण, जितना भी जल्दी हो सके इत्थों निकल चलीए किते उन्हां दे हाथ आ गए ते बड़ी बेइज्जती होएगी, बदनामी होएगी कि आ गुरु के सिख ने पहलों सौदा कर लैंदे आ ते फिर पैसे नहीं दिंदे। हुण डर सी गुरदास जी दे हिरदे विच, भावें थकावट है, हर रोज रस्ते नूं तय करना करदे हन। नेठ नेठ कर प्राप्त होवा केतक दिवस मैं शिवपुर जूवा, के मसा मसा चल के उत्थे पहुंचना कीता। कित्थे पहुंच गए? केतक दिवस मैं शिवपुर जूवा, कई दिनों दे बाद के शिवजी दी नगरी कांसी दे विच पहुंच गए भाई गुरदास जी। शिवजी दी नगरी कांसी उत्थे भाई गुरदास जी ने पहुंचना कीता, जिथे निशाना बनाया सी ना भजन लग्या उत्थे पहुंच गए। बड़ी थकावट है, पैरां विच छाले ने, कदी प्रशादा मिलता कदी नहीं मिलता, ते बड़े डरे हुए ने। डरे इस वास्ते सी कि उत्थे ठीकरियां सी, पैसे है ही नहीं सी, किते मगरों भी आके कोई फड़ना लैंदा होवे, किसे थां ते जाके विश्राम कीता। तो जदों हुण कांसी विच पहुँच के भाई गुरदास जी ने विश्राम किया, इतिहासकार दसदा कि उत्थे कांसी विखे गुरु कीआं सिख संगतां बड़ियां रहिंदियां, जिहड़े कि सतगुरां दे चरणां विच आउंदे जांदे सी ते भाई गुरदास जी नूं भी चंगी तरह जाणदे सी, क्योंकि ये अनन सेवक सी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी होए, भाई गुरदास जी होए, भाई जेठा जी, बाबा विधे चंद जी, भाई प्राणा जी, पंचम पातशाह तो लैकर के सदा ही नेड़ता बनाई हुई सी। तो जिहड़ा बंदा बूहरे होवे उहनूं सारे जानदे है, सारे जानदे सी। गुरसिखां दे बड़े सारे घर सी, इतिहासकार कहिंदा जिहड़े कि सब सतगुरां दे चरणां विच आउंदे भी है ते भाई गुरदास जी नूं जानदे भी हन। जो सिख दर्शन के हित आए तिनों पछाण लिए लीन हर खाए, सबन जोर कर सेवा ठानी चरण पखारे ताते पानी। के जितने भी सिख हुण दर्शन करन वास्ते आए ना, एक दूसरे नूं दस्या भी फलानी जगह ते एक संत महापुरश आए बैठे है, एक दूसरे तो सुन के ते दर्शन दारे करन वास्ते गए। हुण जिवें जिवें गए ना ते जिहड़े सिख सतगुरां दे चरणां विच आउंदे सी उहनां ने पछाण लिया भाई गुरदास जी नूं, तिन्हों पछाण लीन हर खाए, गुरु के सिखां ने पछाण लिया कि ते उही ने भाई गुरदास जी जिहड़े कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के चरणों में रहिंदे है,
सेवादार सेवा करते हैं। पछाण करके भाई गुरदास जी ने गुरसिखा ने बहुता प्रसन्न होना किया। इतिहासकार कहता कि खुशी की हद नहीं रही, इन्हों इं महसूस होया जिमें कि छेवें पातशाह बीरी पीरी के मालक सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के दर्शन ददारे हो गए है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जेडे गुरु के प्यारे सतगुरों के चरणों में निम्रता धार के रेंदे ना गुरु प्यार वाले, उन्होंने सतगुरों में कोई अभेद नहीं रह जाता। सच करके जाने जिन्होंने नीवें होकर इस घर की चलना किया उन्होंने सतगुरों में कोई अभेद नहीं रह जाता। सतगुरों के दर्शन दारे होना किते बड़े प्रसन्न हुए हैं। सारिया ने हाथ जोड़ के नमस्कारां कीतियां भाई गुरदास जी के चरणों ते, ते फिर गर्म जल करके गर्म पानी करके ते भाई गुरदास जी के चरण जिहड़े ओह साफ करना कीते है। हालात देखे ना, हालात देखे ते फिर चरणों नूं धोणा कीता है। चंगे तरह इन्हां ने सफाई कीती है। चांप तहि जद चौंप करंते स्वादल भोजन कार अचवंते। बड़े प्रसन्न होके बड़े शौक दे नाल गुरु के सिख भाई गुरदास जी की सेवा करते हैं। कहते भाई भाई गुरदास जी की सेवा कर ली तो सतगुरां की सेवा ही कर ली समझो, उन्हां विच ते इन्हां विच कोई फर्क नहीं, सदा उन्हां दे साथ विच रहन वाले ने। बड़े सुंदर भोजन प्रशादा पानी तैयार करके ते भाई गुरदास जी नूं छकाउंदे है, जल पानी की सेवा करते हैं। अते जितने भी गुरसिख आए फिर सारिया ने भाई गुरदास जी नूं सन्मान देना कीता, प्यार देना कीता, वड्याई देना कीती। क्यों भला? क्योंकि जदों भी गुरु कियां सिख संगतां गुरु चरणों में आउंदियां से भाई गुरदास जी ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी बड़े सलीके दे नाल संगत दे नाल पेश आउंदे है, बड़ा सत्कार संगत नूं दिंदे है, प्यार दिंदे है ते सतगुरां दे पास बेनतियां भी करदे है। संगत सतगुरां दे पास बेनतियां भी करदे है, संगत वास्ते सिफारशां भी करदे है ते गुरु की संगत फिर बहुता प्यार करदी है। क्योंकि जिद्दां दा किसी नाल प्यार करांगे उद्दां दा ही होएगा ना। बहुता प्यार करदे सी, बड़ा सारा प्यार देना कीता भाई गुरदास जी नूं। जिथे चरण साफ किते धोते उत्थे प्रशादा पानी सोहना तैयार करके छकवाना कीता। जिहड़ा हुण नगर का मालक सी ना, मालक कांशी का राजा, इतिहासकार कहिंदा सिख गुरु को प्रीत बसाला कि वह भी सतगुरां दे घर का प्यारा सी, बड़ी प्रीत रखदा सी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर के नाल। कांशी का राजा प्यार रखदा सी, बड़ा सारा सत्कार करदा सी। सुन महिमा इस की बलवायो कह ऊचन सन पर बैठायो। कि जदों हुण इस राजे ने कांशी के राजे ने महिमा सुनी ना कि मेरी नगरी विच गुरु का सिख आया है ते सारियां संगतां ने बड़ा प्यार देना कीता है। हुण राजे ने अपना अहलकार भेज के ते बुलाना कीता भाई गुरदास जी नूं। ते जदों संदेशा आया भाई गुरदास जी गए ते राजा साहब ने उच्ची जगह ते बिठाना कीता है। क्योंकि गुरु दरबार के बारे में जानते से, प्यारे से, इस घर के सेवादार से ते फिर उच्चे स्थान ते अदब सत्कार करदिया होया भाई गुरदास जी नूं उच्चे जगह ते बिठाना कीता है। अते सतगुरु जी महाराज के घर की कथा पुछण लगे है, गुरु दरबार की कथा फिर पुछण लगे है, सुनते हैं। तो भाई गुरदास जी ने फिर राजे नूं कहना कीता, क्योंकि राजा हुण सुनना चाहुंदा है ते गुरु का सिख सुनाउणा चाहुंदा सी। भाई गुरदास जी कहंदे है सतगुरु थिरे सुधासर राजै जपे नाम दर्शन दुख भाजै। भाई गुरदास जी कहंदे राजा साहब मेरे सतगुरु जी महाराज श्री अमृतसर विखे सुभायमान, मेरे सतगुरु जी महाराज श्री अमृतसर विखे सुभायमान ने
राजा साहब जिन्हों जिन्ह ने मेरे गुरु का दर्शन दारा किया, जिन्ह ने मेरे गुरु का नाम जपना किया, उन्होंने दुख भज गए तो सुखों की प्राप्ति उन्होंने मिलती है। जपे नाम दर्शन दुख भजे, जिन्होंने नाम जपया दर्शन किए उन्होंने दुख भज गए सुखों की प्राप्ति। उत्थे दुखों कोई थान नहीं, जे गुरु के प्यारे नाम जपते हैं तो दर्शन दारे करते हैं। गुरु प्यार वालियो, अमृत वेला बना लो, तुसी नित नेमी बन जाओ, अमृत वेले आओ तो शाम को आओ, हाजरी भरो, दर्शन दारे करो तो नाम जपो, तो फिर देखियो किवें सतगुरां दीआं रहमतां वरतदीआं, किवें किरपा हुंदी है। वड्डी रहमत होएगी, वड्डी किरपा होएगी, सतगुरां दे घर दे विच्चों वड्डा आनंद प्राप्त हो जाएगा। हुण भाई गुरदास जी कर रहे हैं महिमा, इत्थे इह नहीं कहा कि मैं उस गुरु नूं की करा, पैसे तो दे ठीकरियां बन गए, जे साडे वर्गा हुंदा तो कह भी दिंदा, मैं नहीं जानता उस गुरु नूं ठीकरियां ही बन गईआं, मैं डरता मारा भज आया, नहीं, जो हो गया सो हो गया। बड़ी सारी महिमा करदे अपने सतगुरां दी, शोभा करदे है कि सतगुरु जी महाराज मेरे श्री अमृतसर विखे है। राजा साहब जिन्हां जिन्हां ने मेरे गुरु का नाम लैणा कीता, जपना कीता, जिन्हां ने दर्शन किए, उन्हां दे सारे दुख भज गए ते सुखां दी प्राप्ति हो गई। अते अपनी बाणी विच सतगुरु जी महाराज का जस गैन करके राजे नूं सुनाणा कीता, ते राजा सुन सुन के बड़ा प्रसन्न चित होई जा रहा से। जिवें जिवें भाई गुरदास जी ने गुरु दरबार की महिमा सुनाई ना, वर्णन किए, राजा सुन के बड़ा प्रसन्न चित हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। सुन हर खो सुब थान उतारा, पुन गुर सिखन निरपै उचारा। राजा सुन के बड़ा जिथे प्रसन्न होया ना, इत्थे बस नहीं, फिर राजे ने गुरसिखा नूं कह के भाई गुरदास जी का एक चंगी जगह से उतारा करवाना कीता। सोहनी जगह जिहड़ी सी ना, उस जगह पर भाई गुरदास जी नूं उतारा करवाया कि गुरु के सिखा तुसी इस जगह पर विश्राम करोगे, इस जगह पर तुसा ने रहना है। फिर सतगुरु जी महाराज ने सिखा दे इस राजे ने ना सतगुरु जी महाराज के घर की यह महिमा सुन के भाई गुरदास जी पासों महिमा सुन के जिथे खुशी प्रगट की, उत्थे गुरु के सिखा ने भी भाई गुरदास जी की ना महिमा कर दी इस राजे के पास। कहन लगे राजा साहब पहलों तो ये गुरु के सिख प्यारे पुराने गुरसिख ने कि पहलों धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज के चरणों में इन्हों ने सेवा की है, उस तो बाद धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में सेवा की है, तो हुण छेवें पातशाह मेरी पीर के मालिक धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने चरण बरस रहे हैं, तो सबब के नाल पता नहीं किदा अपने पास आना किया, इस जगह पर आना किया। आप श्री हरगोबिंद बहु सेवा महिमा इसके सम गुरुदेवा, कि इस वक्त धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के घर के सेवादार ने, ते बड़ी इन्हों की उच्ची ते सुची महिमा है। इदा ही कह लो राजा साहब कि यह सतगुरां दे बराबरी इन्हों जानना करो कि बड़ी वड्डी इन्हों की घाल कमाई है, बड़ी वड्डी घाल कमाई है कि लंबेरे समय तो इस घर की यह सेवा करते आते हैं। गुरु समीपी ये चरंकालू करवाए कै सिख निहालू, कि लंबे समय तो ये गुरु के प्यारे सतगुरां दे चरणां की सेवा कर रहे ने, अते इन्हां ने सतगुरां दे पास बेनतियां करके बड़े सारे गुरसिखां नूं नदरों नदरी नदर निहार करवाउणा कीता है। ये कांसी दे सिखां ने ना राजे अपने नूं दस्सिया, कहन लगे राजा साहब जदों भी सतगुरां दे चरणां विच जाइए ना, ते सारियां संगतां दी ये सतगुरां दे पास सिफारिश करदे आ, आओ भगत करते हैं, आदर देना करते हैं, तो बड़े सत्कारे योग ने। इदा कह लो कि इन्हां विच ते सतगुरां दे विच कोई अंतर नहीं, जितनी इन्हां दे चरणां की सेवा की जाए उतनी थोड़ी है।
इत्यादिक महिमा सुन भारी पग पाहन लैबे सुधारी। कि जिमें जिमें भाई गुरदास जी की महिमा सुनी ना राजे ने, ये मन की अभिलाषा जागी गुरु रूप साध सिंह जी की जागया ये मन के प्यार कह लगा गुरु के सिखा फिर मैनू भी चरण पौल देना करो। मेरे मन की इच्छा है कि मैं चरण पौल लैके थोड़े तो मैं भी गुरु का सिख सजना चाहता। अज जी सिखी तो आप दूर जाते ना दौड़ रहे हैं तो बड़े तरह के नमूने बना बना के सिर के तो फिर शीशिया च देखते हैं। सतगुरु जी महाराज ने इस गुरसिखी वास्ते बड़िया सारिया घाल कमाइया कीतिया गुरु प्यार वालियो, तो इस सिखी नू हर पासे तो मान ते सत्कार मिलता, मान ते सत्कार मिलता। जिहड़े गुरु के सिखा ने इनू संभाल करके रखिया ना, जिस पासे भी जाते हैं उधर ही वडियाइया ते स्वागत मिलता। क्योंकि तुसी फौज विच चले जाओ गुरसिखा नू पहल है, पुलिस विच चले जाओ उत्थे गुरसिखा नू पहल है, स्कूल विच भी केसाधारी बच्चों नू पहल मिलती है कि ये शानो शौकत वास्ते अगे लगाए जाते हैं। तो असी इन तो मुनकर हो गया, पता नहीं क्यों, जाते साढ़े तो भार नहीं चुकया जाता केसा का, असी कमजोर हो गए इस वास्ते। पर यह माड़े भागा की निशानी है जेडे इस पासे तो मुनकर होंगे है, माड़े भागा की निशानी मैं तो कहना भी होंगी है। तुसी गुरसिखी विच परपक्ता बना लो, सतगुरां दे चरण परस लो, सतगुरां दा सिमरन करो। जिवें जिवें सिमरन करोगे रहमतां हुंदियां जाणगियां। क्योंकि गुरु प्यार वालियो ये संसारक पदार्थ ते आउण जाण वाले है, नाश हो जाण वाले है, इन्हां ने कित्थे नाल निभणा है, कौण कहिंदा नाल निभणगे। जदों ये पौर उडारी ला गया एक मिनट विच इन्हां दे होर दी होर मालक बन जाणगे। खाली हाथ झाड़ के तो चलिया जाएगा मनुख, पर जे नाम धन पल्ले विच है तो फिर वह निभेगा नाल, आद तो लैके अंत तक निभना करेगा, आद तो लैके अंत तक सहायता करने वाला है। पर इन्हां चीज़ां ने सहायता नहीं करनी जिन्हां वास्ते असी ये शल फ्रेम कर ले, ये बस इत्थे रह जाणगे। सतगुरु जी महाराज ने गुरसिखी धारण की इच्छा जाहर की है राजे ने, तो जदों मन में इच्छा जाहर करके भाई गुरदास जी ने कहा, तो भाई गुरदास जी ने गुरसिखा नू कह के कड़ाह प्रसाद की देख तैयार करवाना की है। पंचा मृत घनों करवाए निकट लीन गुरदास बुलाए, कि कड़ाह प्रसाद की देख वड्डे मकदार विच तैयार कर ले। तो भाई गुरदास जी फिर पहुँच गए है राजे दे पास, कहन दा भाव के चरण पौल देन वास्ते पहुंचना कीता है। हाथ जोर कै पौल दे हां मोको सिख सकल बिद कहो, के हाथ जोड़ के राजे ने बेनती की है, हाथ जोड़ के गुरसिखी मंगी गुरु प्यार वाले कि भाई जी सानू भी गुरसिख बनाउणा करो, अपनी चरण पौल दे के सारियां विधियां समझा के विधि विधान समझा के सानू भी गुरु के सिख संपूर्ण बना दियो। ते जदों हुण राजे ने बेनती की, भाई गुरदास जी ने चरण पौल हुण राजे नू देना कीते है, ते जिवें जिवें राजे ने चरण पौल लेना कीते मन दे विच बड़ा वड्डा प्रेम जागिया, प्रेम ने उछाला मारिया, बड़ा वड्डा आनंद आया, सुख प्राप्त होया। चरण पौल लैके गुरसिखी धारण करके वड्डा प्रेम पैदा होना कीता है। जब निरप भयो सिख सकेरा पुरमै जस प्रगटायो बनेरा। हुण जद राजा सिख बन गया ना गुरु प्यार वालियो, ते सारे नगर दे विच बड़ा वड्डा जस प्रगट होया। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मीरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह दे घर दा जस प्रगट होया। ते प्रगट कौन करन वाला है? गुरु का सिख भाई गुरदास जी। भावें देखो भरम विच भुल गए, दौड़ के गए सी, पर जे दौड़ के भी गए सी ते उत्थे गुरसिखी का प्रचार ते प्रसार कर रहे हैं। जिस जगह ते
रहना किता ना उस घर की महिमा की है, किरतकान नहीं बनना किता, निमक हरामी नहीं बनना किता, उस घर की महिमा की है। फिर की होया, पुत्र सदा भुलदे आए ते पिता सदा बख्शते आए, बख्शे जावांगे, समा आउण ते बख्शे जावांगे, कोई गल नहीं। सिखी प्रगट हो गई, बड़ा जस इस कांशी दे विच होना कीता है। ते जदों हुण जस प्रगट होया ते कांशी दे रहण वाले ने सुनिया भी राजा गुरसिख बन गया, ते जदों राजा गुरसिख बन गया ते कांशी दे होर बड़े सारे लोग जिहड़े आके ते गुरसिखी धारण कर रहे हैं, चरण पौ लैके गुरसिख हो गए। इतिहासकार कहिंदा है नित प्रत बने मनुज समुदाय, नित प्रत बने मनुज समझाए, कि हर रोज नित्ता प्रति भाई गुरदास जी दे पासना लैने ही लगियां रहिंदियां, चरण पौ लैके गुरसिख बनने वालियां वास्ते। कहिंदा भाव के बड़े सारे गुरु के प्यारे गुरसिखी धारण कर गए कांसी दे विच, बड़े सारे। जदों राजा गुरसिख हो गया ते प्रजा ने ते ऐटोमैटिकली होना सी, लाइना लगिया रहिंदियां भाई गुरदास जी दे पास, जिवें जिवें जस प्रगट होया कांसी दे विच ते फिर चरण पौ लैके ते गुरसिखी धारण कीती है। देखा देखी भए हजारों, गुर को सो जस बिथार उचारो, कि इदा जिवें जिवें जस होया। इतिहासकार कहिंदा कि हजारां दी गिनती विच सिखी जिहड़ी प्रगट कर दित्ती भाई गुरदास जी ने, इस कांसी विच सिखी सिखी प्रगट कर दित्ती कि सतगुरु जी महाराज का श्रेष्ठ जस विस्थार नाल उचारण करते हैं। शुभा ते शाम सतगुरां दे घर का जस उचारण हुंदा है, जिस पासे जांदे सब माई भाई मुख विचों गुरु गुरु जपदे है। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर की शोभा करते हैं। राजा नित अपने पास बुलाउंदा सी ते भाई गुरदास जी तो फिर सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी सरवण करता सी ते बड़ा वड्डा आनंद लैणा करता सी। भाई गुरदास जी बड़े प्रेम दे नाल बाणी पढ़ते हैं ते राजा बड़ा ध्यान दे के सरवण करता है ते बड़ा प्रसन्न हुंदा है बाणी सुन के। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, ये तुर दरगाह तो आई बाणी, जिवें जिवें राजे ने सुनी ना ते बड़ा वड्डा आनंद लैणा कीता है, खुशी प्रगट करना कीती है। अर्थ समेत सुने मन लाई, सब को मन मैं बोध उपाई, कि भाई गुरदास जी भी अर्थां सहित राजे नूं सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी सरवण करवाउंदे है, अर्थ भी समझाउंदे है, पढ़ के अर्थ भी समझाउंदे है। ते जिवें जिवें हुण राजा अर्थां समेत सुनदा ते प्रसन्नता जिहड़ी उत्पन्न हुंदी है हिरदे विच, खुशी महसूस, ते राजा अपने मन दे विच सोचदा है कि जिद्दां गुरसिखां ने दस्सिया वाकई गुरसिख विच ते सतगुरां विच कोई भेद नहीं, एको ही स्वरूप ने, कि बड़ी वड्डी किरपा है सतगुरां दी इस गुरसिख उत्ते जिहड़ा कि अर्थां समेत पवित्र गुरबाणी मेनू सरवण करवाउंदा है। वार ने बलहार ने कुरबान जांदा है राजा भाई गुरदास जी तों, कि बहुत सियाणप भरे मिठे मिठे बचन बोल के ना भाई गुरदास जी की सलाहना करते हैं, स्वागत करते हैं। राजा साहब हर पक्ष तो ख्याल रखता है कि ये ना हो कि कोई इदा का वचन बोलिया जाए जिदे नाल के गुरु के सिख की कित तुही ना हो जाए, बड़ा भय रख के भाई गुरदास जी का सत्कार करते हैं, शोभा करते हैं। जिमें जिमें सतगुरां के घर की बाणी सुनता जाता राजा, उवें उवें प्रीत गूढ़ी होंदी जाती है, जिमें जिमें राजे ने सुनी ना बाणी इहदी प्रीत जिहड़ी गूढ़ी हो गई। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर के नाल गूढ़ियां प्रीतां बनदियां जांदियां हैं ते बड़ा प्रसन्नचित राजा हुंदा है, बड़ी खुशी प्रगट करदा है ते बड़ा सारा भाई गुरदास जी नूं सत्कार देना करदा है। निरप के निकट कथा नित करें,
सब संगत सुन बैह तजूरा है कि भाई गुरदास जी सतगुरां दे घर की कथा करते हर रोज राजे जी के पास पहुँच के ते संगतां फिर वड्डी गिनती विच पहुँच के ते सरवण करदी है। भाई गुरदास जी धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मीरी पीर के बालक सच्चे पातशाह दे घर की कथा करते हैं सुनाउंदे हैं ते संगतां वड्डी गिनती विच आ के कथा सरवण करदी है। ते जिवें जिवें संगतां भाई गुरदास जी तो कथा सरवण करदी है बड़ा आनंद लैणा करदी है। ते जिवें जिवें भाई गुरदास जी ने कथा सरवण करवाई सारी कांसी विच कीर्ति फैल गई, जस फैल गया, शोभा होन लगी है कि भाई राजा साहब के पास छेवें पातशाह मीरी पीर के बालक धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के घर का सिख आया है जिहड़ा कि बड़े प्रीत के नाल सतगुरां दे घर की कथा सरवण करवाउंदा है कि जिवें जिवें कथा सरवण करदे आ बड़ी प्रसन्नता बड़ा वड्डा आनंद आउणा करदा है कि हुण भाई गुरदास जी नूं बड़ा श्रेष्ठ समझ के ना कांसी विच जितना भी सिक्खी धारण कीती सी उह सदा भाई गुरदास जी दे अगे पिछे रहिंदे है। इतिहासकार कहिंदा है कि सदा ही 24 घंटे भाई गुरदास जी दे अगे पिछे गुरसिख रहिंदे है सत्कार वजों कि ये बड़े श्रेष्ठ ने, बड़े महान ने, बड़े शोभादायक ने कि इन्हां दे पास रहण दे नाल सानू शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होएगी, गुरु दे घर की कोई ना कोई बख्शिश मिलना करेगी क्योंकि ये बड़े श्रेष्ठ ने ते बड़े सियाने ने, गुरमत दे धारनी ने ते गुरमत धारण करवाउंदे है। इन्हां उत्ते बड़ी सतगुरां की रहमत है, सदा ही गुरु के सिख इन्हां दे साथ विचरना करते हैं। भूपत को गुर जब है गयो सकल नगर सन्मानत भयो के जब वो हुण राजे दे मुरशद बन गए ना, कहण दा भाव के जिवें जिवें सिखी प्रगट कीते राजे ने चरण पौ लै रही संगतां ने जितनिया भी वसण वालिया सी चरण पौ लैणा कीती है ते सारा नगर फिर बड़ा सारा सन्मान करदा है, बड़ी शोभा करदा है। ते हुण जिवें जिवें चढ़त होई ना, चढ़त हुई भाई गुरदास जी की शोभा हुई कांसी विच, ते एक दिन ब्राह्मणा पंडतां ते सन्यासियां ने मिल के भाई गुरदास जी दे पास आउणा कीता है क्योंकि इन्हां ने देखिया ब्राह्मणा ने सन्यासियां ने कि गुरु का सिख आया जिन्हें कि सारी कांसी अपने पिछे ला ली है, साडे पास तो कोई आउंदा ही नहीं, सारे चल करके भाई गुरदास जी के पास आई है। निरपको गुरु लखो ललचाई निजमत लियावन हित अलाई के राजे का मुरशद समझ के ना इन्हां दे मन दे विच इच्छा प्रगट हुई है इहदे नाल कुछ ना कुछ सवाल जवाब करन दे, इन्हां दे मन दी इच्छा सी कि जिहड़ा ये राजे का मुरशद बनिया है इहदे नाल कोई ना कोई सवाल जवाब किया जाए। हुण ये इत्थे पहुँचे इस वास्ते सी निजमत लियावन हित अलाई कि भाई साहब जी नूं अपनी मत विच लियाउणा चाहुंदे सी, अपनी मत विच लियाउणा चाहुंदे सी क्योंकि गुरु रूप साध सिंह जी ये शुरू तो ही गल्लां चलदियां आईआं कि आपो अपनी मत विच लियाउण वास्ते। अज कल आपां देखदे आं कि बड़ा सारा पैसा टका भी दिता जांदा है कि तुसीं साडा धर्म विच आ जाओ, तुहाडे परिवार के खर्चे असी करांगे, जे करांगे वो करांगे, ये शुरुआत तो चलती आई है। हुण इन्हां ब्राह्मणा ने पंडतां ने सन्यासियां ने भाई गुरदास जी के पास आउणा कीता, ये चर्चा करनी चाहुंदे सी, इन्हां दे मन दी गल इह सी कि इहनूं आपां अपणे मत विच लिआउणा करिए कि इह शिवजी दी नगरी एकांसी कि तू भी इस पासे वल आ जा। तो इस गल नू सोच करके इन्होंने भाई गुरदास जी के लागे आना किया है। इव शिवपुर जिस मैं तुम बासा जाते बनो रुद्र को दासा, आए भाई गुरदास जी के पास मिले है, बैठ गया तो इन्होंने अपनी गलबात शुरू की।
ते कहन लगे भाई साहब जी ये जिथे तुसी रहना करदे हो ना तुहानू पता है कि ये किहदी नगरी है। ते भाई गुरदास जी कहन लगे दसो इन्होंने कहना किया कि यह शिवपुरी दी नगरी है जिथे तुसी रहना करदे हो ते जिस जगह ते रहना करिए फिर उहदे बन के रहना चाहिए है। इस वास्ते तुहानू शिव जी का सेवक होना चाहिए है, तुसी भी शिव जी के सेवक बन जाओ। जे इस जगह पर रहने हो तो तुहानू शिव जी के सेवक बन जाना चाहिए है। इस वास्ते असी तुहाडे पास आउणा कीता है। ते हुण जदों इन्होंने अपने मन की गल जिहड़ी है भाई गुरदास जी दे नाल सांझी कीती तां गुरु रूप साध सिंह जी बैठे करो सदा शिव ध्यान क्या गुरते अब रेहू सुजान, कहन लगे कि सदा तुसी शिव जी का ध्यान धारण करो, उस गुरु पासों तुसी की लैना है छड़ो परे वो कित्थे श्री अमृतसर विखे बैठा है ते तुसी हुण कित्थे शिव जी की नगरी कांसी में जाके बैठे हो। तुहानू ते बस हुण इन्हां दा ही ध्यान धरना चाहिए है, इन्हां दा ही सिमरन करना चाहिए है कि इस जगह पर तुसी बैठना कीता तुसी गुरु पासों की लैना है। तब गुरदास कहो सुन लीजै जो प्रवरता धर्म दखरीजै। जदों हुण इन्होंने ये बचन कहे ना कि तुसी गुरु तो की लैना है, इत्थे शिव जी दे पुजारी बन जाओ, उहदे हो जाओ, उहदा सिमरन करो। ते सुन करके भाई गुरदास जी कहन लगे प्यारियो तुसी ध्यान दे करके सुन लवो जो प्रतिवरता धर्म दखरीजै, कि जो इसत्री पति वरता धर्म वाली दिस पवे ना तो फिर वो अपने धर्म नभा करती है, अपने धर्म इसत्री नभा करती है। पार मत रमे निंद जग डगावे आगे नरक सजैन पावे, तो जे उपराए पासे वल देखेगी तो पंडित जी ब्राह्मण जी वो नरकां च चली जाएगी। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वन जा रहा, जिन्होंने अपने खसम नूं छड़ दिता अपने मालक नूं छड़ दिता उन्होंने डुबना ही डुबना फिर पा